why do we need sound healing? Okay. And for what? अगर आपके हेयर स्टाइल भी किसी को पसंद नहीं और आपके हेयर स्टाइल के लिए कोई बोल रहा है और आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है कि इसलिए पूजा की घंटी प्ले करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप पूजा करें ना करें. एशियाज फर्स्ट म्यूजिकल हीलिंग कैप्सूल राइट जी. तो फर्स्ट इज फॉर स्लीप डिसऑर्डर्स. ठीक है, जितने भी लोग हैं जिनको नींद नहीं आती है. तो इसमें जो लोग करियर बनाना चाहते हैं तो करियर कैसे बना सकते हैं, लोग कैसे आ सकते हैं इस फील्ड में? हमारे यूथ को ना डायरेक्शन की बहुत जरूरत है बिकॉज दे आर. तिहाड़ जेल में अपने तिहाड़ जेल के कैदियों के साथ अपने एक ट्रेनिंग सेशन दिया था वहाँ पे. दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट गिफ्ट ही है अगर इंसान को समझ में आ जाए कि लोगों को लगता है पैसा कमाने में खुशी मिलती है. अब अगर पैसा आ गया आपके पास में. कहते हैं जहां अल्फाज कम पड़ जाए वहां म्यूजिक काम आता है. आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे. आज का सेशन उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला जो साउंड थेरेपी में इंटरेस्ट रखते हैं या साउंड थेरेपी को बहुत डिटेल में समझना चाहते हैं. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट टुडे हु इज द फाउंडर एंड चेयरपर्सन ऑफ हैप्पी हार्ट फाउंडेशन. अलोंग विद दिस शी रन्स साउंड ऑफ इन्फिनिटी बैंड विच इज एशियाज फर्स्ट म्यूजिकल हीलिंग बैंड. अ रेनाउंड नेशनल अवार्ड विनिंग डॉक्टर, TEDx speaker and an author. She is an international speaker and has been honored for contributions like Atal Zaman Healthcare Excellence Award, Inspirational Women of the Year 2022 and Sound Queen Award in Dubai. She was honored by the CM of Uttarakhand, CM of Goa and CM of UP. She got the Best Inspirational Book Award by Hema Malini. Her incredible work is appreciated and loved by Shri Shri Ravi Shankar Ji, Sunil Gavaskar, Malin Soman, चेतन भगत, अरबाज खान, हुमा कुरैशी, पूजा बेदी, जय परदा, यूसुफ पठान, अनीस बजमी एंड मैनी मोर. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर अंजू शर्मा. इंट्रो थोड़ा लेंदी हो गया बट क्या करें, मैम की अचीवमेंट्स ही इतनी ज्यादा हैं. वेलकम मैम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. इस पॉडकास्ट के लिए मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज इसमें बहुत सारे टॉपिक हमारे कवर होने वाले हैं. सो मैम, सबसे पहले मैं साउंड हीलिंग के बारे में जानना चाहता हूँ. सबसे पहले हमें साउंड समझना पड़ेगा, उसी के बाद में हम हीलिंग या थेरेपी उसके कर सकते हैं या बारे में समझ सकते हैं. सो ये एक नया या अनटच्ड टॉपिक एक्चुअली में है नहीं. ये हमारी प्राचीन समय से चलता हुआ एक मोडालिटी है, एक वे ऑफ ट्रीटमेंट है जो शायद आज के तारीख में हम भूल चुके हैं. अब वो है क्या? नाद. नाद कब से है? नाद इज साउंड. साउंड इज व्हाट द ध्वनि, आवाज. ये जो आप मेरे मुंह से भी सुन रहे हैं ये क्या है? आवाज. ये साउंड ही तो है. अब इस साउंड के अंदर में कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन होते हैं. हमारी अर्थ में ग्रेविटेशनल पुल है तो इनके थ्रू ये सब वाइब्रेशंस ऊपर नीचे होती हैं और हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट डालती है. अब ये अभी से तो नहीं है ना, क्योंकि सृष्टि की रचना जिस समय से हो रही है नाद साउंड उसी समय से. आपने सुना होगा तानसेन जब अपना राग सुनाते थे तो दिए जल जाते थे, बारिश हो जाती थी. तो ये सब कुछ उसी समय से ही शुरू हो रखा है. वी आर जस्ट पुटिंग लाइट ऑन आर हिडन यू नो जेम ऑफ मोडालिटी व्हिच वी कॉल साउंड हीलिंग. किन चीजों से हम साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो साउंड को सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, साउंड को हम प्रोड्यूस करते हैं अपनी आवाज से, बातचीत करके, जैसे अभी हम कर रहे हैं. देखिए, बातचीत करने से बड़ी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो जाता है. हम हमेशा कहते हैं ना कि कम्युनिकेट व्हाट इज इनसाइड योर माइंड. आपकी शरीर, आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उसको आप जब तक कम्युनिकेट नहीं करोगे, बोलोगे नहीं, तो कैसे निकलेगा? तो सबसे पहला टूल जो होता है वो होता है आवाज. उसके बाद बहुत सारे और भी तरीके होते हैं. अगर हम एक स्पेसिफिकली इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं साउंड हीलिंग की, तब हमें इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है. लाइक किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स? तो इंस्ट्रूमेंट्स में देखिए बहुत सारे, जो भी इंस्ट्रूमेंट आवाज निकालता है, क्लैपिंग, दिस इज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग अ साउंड.
और बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप कुछ अच्छी चीज सुनकर क्लैपिंग करते हो तो आपका बिहेवियर कैसा होता है, आपका माइंड कैसा होता है, आई फील गुड, पीपल हैव अप्रिशिएटेड मी. अगर क्लैप ना करो और आपने कुछ अच्छा किया है, क्लैप नहीं करो, मैंने कुछ अच्छा नहीं किया, शायद मेरे दिमाग में एक अलग स्टोरी चलने लग जाती है. तो ये भी एक साउंड है ना, ये तो कोई इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं बट फिर भी इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा है. एनी टू थिंग्स विच प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे कोलाइड टुगेदर, जब वो दोनों आपस में कोलाइड करते हैं और कुछ भी ध्वनि, कुछ भी आवाज प्रोड्यूस करते हैं, वो सभी चीजें साउंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. ठीक है, अब ये तो बात हो गई जो हमारे पास में है, बट हमें अगर कुछ मेजर हीलिंग्स करनी है, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं ऑपरेशनल हीलिंग, बिल्कुल वो उसी तरीके से काम करती है जैसे ऑपरेशन थिएटर में एक इंस्ट्रूमेंट्स काम करते हैं. तो उनके लिए हमारे पास में सिंगिंग बोल्स होते हैं, उनके लिए हमारे पास में और फ्रिक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्योंकि होता क्या है कि हमें हमारे शरीर की एक सेट फ्रिक्वेंसी है, सपोज ए से लेके जेड तक एक सेट अल्फाबेट है ना, क्या ए से आगे किसी को पता है कि क्या हो सकता था, बिकॉज हमें पता है ए से लेके जेड तक ही अल्फाबेट्स होते हैं. इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी भी ए से लेके जेड एक सेट फ्रिक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखी है. पर जब ये फ्रिक्वेंसी ऊपर नीचे या फिर अनबैलेंस अनस्टेबल हो जाती है, तो उस फ्रिक्वेंसी को हमें वापस उसी जोन में लेकर आना होता है. तो सर्टेन फ्रिक्वेंसी का, क्योंकि हमारे माइंड का अलग फ्रिक्वेंसी है, हमारे थ्रोट का अलग फ्रिक्वेंसी है, हार्ट का अलग फ्रिक्वेंसी है, हमारे स्टमक का अलग है, पैरों का अलग है, इस तरीके से बॉडी ना बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो हर फ्रिक्वेंसी का अलग इंस्ट्रूमेंट है. अगर मुझे पेन्स के लिए करना है तो वी हैव लॉट ऑफ अदर इंस्ट्रूमेंट भी. अगर मुझे अपने स्टमक पे काम करना है, क्रिएटिविटी पे काम करना है, फर्टिलिटी पे काम करना है, मुझे अपने वाटर एलिमेंट पे काम करना है, वी हैव अदर इंस्ट्रूमेंट्स एंड दीज ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेड बाय हैंड ओनली. ओके, सो वी डोंट यूज एनी यू नो इलेक्ट्रिक लाइक मशीन, या मशीन नहीं है, या फिर हम ऐसा भी नहीं करते कि हम लोगों को कुछ आउटर सोर्स की जरूरत पड़ती है. वी प्रोड्यूस दो साउंड्स बाय आवर हैंड्स. सो वी हैव इंस्ट्रूमेंट लाइक ओशन ड्रम, व्हिच इज माय पर्सनल फेवरेट, एंड दैट इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस अ साउंड ऑफ ओशन. आपको अगर आंख बंद करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ओशन के पास में बैठे हुए हैं, और धीरे धीरे करके जब आप सुनने लगेंगे तो आप फील करेंगे कि आपके पेट के अंदर बबल्स क्रिएट हो रहे हैं. Because everything what you hold is in stomach, or in a female it's in uterus, because it's a place of holding. ठीक है, where the creation happened. Creation is what? Life. तो ये instruments इसी तरीके से बहुत सारे होते हैं, tuning forks होते हैं, gong होता है. Why do we need sound healing? And for what? देखिए, साउंड हीलिंग जैसे मैंने बताया ना आपको, फ्रीक्वेंसी हमारी बिगड़ जाती है. अब वो एक ये ले फ्रीक्वेंसी मींस के कोई तबीयत खराब हो जाना. फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक साइंटिफिक टर्म में कि मेरी बॉडी का पैरामीटर इसी दायरे में रहना चाहिए. मेरी शरीर का जो ह्यूमंस का दायरा है वो इसी दायरे में है. अभी जो मेरी बॉडी का टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है तो हम उसको फीवर बोलते हैं. हम उसको फीवर बोलते हैं. दैट इज चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी. नो, दैट्स अ चेंज ऑफ योर बॉडी टेम्परेचर. दैट मींस इंटरनली आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं, तभी वो फीवर आया. फीवर इज अ रिजल्ट, फीवर इज नॉट अ प्रॉब्लम. हमारी दैट इज नॉट द चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी. यस यस, हमारी बॉडी के अंदर देखिए क्या होता है ना कि प्रॉब्लम कहाँ से आती है लोगों को यही नहीं पता. जो दिखती है वही लोगों को दिखाई देता है. अब मुझे जैसे आपने बोला फीवर, मुझे फीवर दिख रहा है क्योंकि मेरी बॉडी गर्म हो रही है इसलिए मुझे फीवर दिख रहा है. पर मुझे फीवर आने से पहले क्या हुआ था वो नहीं पता है. फीवर ऑलवेज कम व्हेनेवर योर बॉडी प्रोड्यूस समथिंग, आउटपुट निकाल के कर रही है, टेम्परेचर गर्म कर रही है, यानी कि बॉडी ने टेम्परेचर गर्म शो किया. लूज मोशन अक्सर हो जाते हैं, बॉडी ने वेंट आउट किया. थ्रो जब कुछ चीज अंदर से बाहर कर रही है, अंदर से बाहर का कुछ भी थ्रो कर रही है, दैट मींस मेरे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई थी और वो अब शो कर रही है बाहर को थ्रो करके. सो वी नीड टू फाइंड आउट दैट थिंग फर्स्ट. वी नीड टू एक्चुअली फाइंड आउट द रूट रीजन ऑफ द प्रॉब्लम्स फ्रॉम वेयर
दे आर जनरेटेड फ्रॉम वेयर दे हैव कम इनसाइड अ बॉडी. तो ये समझने में बहुत ही कभी कभी लगता है कि बड़ी सिंपल सी और आसान सी चीज है कि आपको किसी ने एक स्टेटमेंट बोल दिया एंड एज पर ह्यूमन टेंडेंसी ह्यूमन ब्रेन टेंडेंसी हमारे दिमाग के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतनी कैपेसिटी है कि हम अपनी एंटायर लाइफ में 150 लोगों को ही स्टोर कर सकते हैं. एंटायर लाइफ में आप चाहे कितने लोगों से भी मिलते रहे 150 लोगों को ही स्टोर कर पाएंगे. 150 लोगों में से भी सपोज करिए 50 people आर योर यू नो क्लोज वन जिनको आप हेलो हाय भी करते हैं जिनसे आप आई एम नॉट टॉकिंग रेगुलर पर 50 people आर लाइक वेरी क्लोज पीपल फ्रेंड फैमिली और कोलीग्स एंड एवरीवन जिसमें से 10-20 people आर द पीपल जो आपके साथ में बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं पर उनमें से सिर्फ 5 या 6 लोग होते हैं जिनको आप अपने बैड टाइम्स में या गुड टाइम्स में दिमाग में रखते हैं. तो सोचिए इतनी पूरी दुनिया पूरी जिंदगी कहते ना भागते रहे भागते रहे भागते रहे और आपका ब्रेन तो सिर्फ इतना ही स्टोर कर रहा है पर हमारा ब्रेन ये जो पूरी दुनिया के लोग हैं ना इन सबका स्टोर रखता है. लोग ऐसा समझते हैं नहीं ये जो 150 लोग हैं ना 150 लोगों का भी नहीं रखता. ये जो 5 लोग 10 लोग होते हैं ना लाइफ में सिर्फ उन्हीं लोगों का और उन लोगों की जिंदगी सिर्फ उनके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है और उन्हीं लोगों को प्रूफ करने के लिए वो इंसान भागता रहता है भागता रहता है भागता रहता है. अब वही इंसान अगर कभी आपको अप्रिशिएट कर दे आपकी बॉडी सेल्स हैप्पी हो जाते हैं जिनको हम बोलते हैं हैप्पी सेल्स और आपकी बॉडी ब्लूम करने लग जाती है आपका ऑरा बहुत ही अच्छा पावरफुल हैप्पी दिखने लग जाता है. आप जिधर जाते हो आप क्योंकि खुशी आपके चेहरे से रिफ्लेक्ट करती है आपकी बॉडी से रिफ्लेक्ट करती है वो रिफ्लेक्शन क्या है दैट्स योर ऑरा हैप्पी ऑरा. ठीक है वहीं पे आपको किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया योर ऑरा श्रिंक्स. अब हाउ दिस वर्क्स सेल्स सेल्स श्रिंक्स एंड सेल्स ओपन अप. When cells open, खुश होते हैं water formation बहुत अच्छे से हमारी body में बनने लगता है हमारा cells shine करने लग जाता है. Actually मैं समझ नहीं पाया अभी भी sound healing हम करते क्यों हैं? Please मुझे भी समझाएं और viewers को भी समझाएं. अच्छा sound healing हम तब करते हैं जो भी हमारी disease वगैरह होती है उसको heal करने के लिए या mentally stable रहने के लिए. तो देखिए साउंड हीलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि साउंड हीलिंग हम करते हैं बिकॉज वी नीड टू बैलेंस आर सेल्फ. एक ले मैन के लिए साउंड हीलिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है इफ ही इज सफरिंग फ्रॉम एनी फिजिकल साइकोलॉजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम. कोई एक एग्जांपल देगा सपोज अगर डिप्रेशन सबको पता है डिप्रेशन इज अ बिग प्रॉब्लम बट इट इज अ मेंटल डिसऑर्डर. ठीक है yes, right. अब ये मेंटल डिसऑर्डर है अगर कैंसर भी पकड़े कैंसर इज अ फिजिकल प्रॉब्लम ठीक है जो कि दिखती है. अब यहां पर आ जाते हैं इमोशनल लेवल पे एंगर ये भी एक प्रॉब्लम है भाई इंसान बहुत एग्रेसिव रहता है बहुत ज्यादा गुस्सा करता रहता है. तो ये 3 तरीके की मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस की प्रॉब्लम्स बताई है राइट बट इनका सूत्र क्या है एंगर सप्रेशन ठीक है. सो इफ अ पर्सन फील दैट आई एम not able to express my thoughts if something is continuously making me uncomfortable mujhe bahut pareshan kar rahi hai mujhe bahut stress mein lekar aa rahi hai main comfortable nahi hu par main kuch kar bhi nahi pa raha hu kyunki main society ke norms mein bandha hua hu main belief systems mein bandha hua hu aur in short mujhe kuch bhi samajh mein nahi aa raha hai mere sath kya ho raha hai. वो जब इंसान के दिमाग में कंडीशन आती है और ये कंडीशन सबके माइंड में लाइफ में एक बार जरूर आती है जब उसको कुछ नहीं समझ में आता है उसको लगता है मेरी बैंड बच चुकी है अब तो वो जब कंडीशन आती है ना उस समय उसको ये ट्रिगर है कि भाई अब यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. आई एम नॉट सेइंग फिजिकल हेल्थ आई एम नॉट सेइंग मेंटल आई एम नॉट सेइंग इमोशनल यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ क्योंकि आपको अपने शरीर से ज्यादा किसी को नहीं पता होता मेरे शरीर के अंदर क्या चल रहा है. तब आपको किसी एक्सपर्ट नहीं बोलूंगी क्योंकि शुरू में एक्सपर्ट के पास जाने की नॉलेज होती भी नहीं है कि मुझे एक कंसल्टेंट के पास जाना है मुझे डॉक्टर के पास जाना है तो उस समय नहीं होता बट
मुझे ये पता है, ये सबको पता है, जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी पता है कि हमें ये पता होता है कि हमें अभी परेशानी है और मैं अपनी बात को सप्रेस करती जा रही हूँ, करता जा रहा हूँ और बहुत सप्रेशन हो गया। वो टाइम है कि आप अगर उस प्रॉब्लम को बड़ी क्रॉनिकल डिसीज में नहीं देखना चाहते हैं, अपने आप को ठीक करना शुरू कर दीजिए। अब मैंने क्यों बोला कि स्पेसिफिकली इस चीज से साउंड हीलिंग ही आपको निकाल सकती है, क्योंकि सप्रेशन की जब बात आती है, जब आप कुछ ऐसी चीजें जो आपको अनकंफर्टेबल बना रही हैं, अनईजी बना रही हैं, किसके थ्रू बना रही हैं? साउंड के थ्रू ही तो बना रही है। आपको किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, क्या एक्शन करके बोला उसने? मुंह से बोला है, जबान से बोला है, टेक्स्ट करके बोला तभी देखा ना आपने, तो आपके 5 सेंसरी ऑर्गन्स ने देखा। सो आपको मैं ये और बताना चाहती हूँ कि सिर्फ हम लोगों को लगता है कि हम कानों से सुनते हैं। नो, वी ओनली हर्ड 20 hertz थ्रू आर ईयर्स, रेस्ट 20,000 hertz हम अपनी स्किन से सुन रहे हैं। तो अगर आपने कोई चीज देखी नहीं, देखी जैसे आपने बोला टेक्स्ट, आपकी स्किन ने देखा ना उसको, स्नेक्स का एग्जाम्पल, स्नेक्स के पास लोगों को पता है कान नहीं होते हैं, but they have a strong sensory organ. Exactly. How? So we hear through our skin. कभी कभी होता है ना कि आप कुछ ऐसी चीज देखते हैं और एकदम से आपको goosebumps हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है? कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सामने कोई नहीं बोल रहा है बट पीछे से कुछ आवाजें आ रही हैं और आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यार ये लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे होंगे। तो ये सारी साउंड्स आपने सुनी थोड़ी ना है, आपकी स्किन ने महसूस की है। और इमेजिन कीजिए 20,000 hertz तक कैपेसिटी है स्किन के अंदर आवाजों को सुनने की, तो आप समझिए कि हम लोग अपनी कितनी बुरी तरीके से रोज बैंड बजाते हैं। वी आर एक्चुअली, हम लोग अपने आप को ना लोगों के सामने रख रहे हैं कि हमें डस्टबिन की तरह ट्रीट करो, ठीक है? एट अ टाइम्स इट हैपेंस दैट वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस आर इमोशंस, लाइक इफ योर बॉस हैज सेड समथिंग, आप अपने बॉस को जवाब नहीं दे सकते हो, या आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ बोला, आप अपने पेरेंट्स को जवाब नहीं दे सकते हो, पर आप उस सप्रेस्ड इमोशन को निकाल जरूर सकते हो, क्योंकि वो सप्रेस्ड इमोशन कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, सेटल होगा, उसके बाद में छुप जाएगा। How this works, okay? फिर दोबारा से किसी ने आपको कुछ गलत बोला, फिर वो सप्रेस हुआ, फिर वो सेटल हो गया, इस तरीके से एक फॉर्मेशन बनता जाता है और किसी दिन बहुत बड़ा ट्रिगर होता है, जिसको हम बोलते हैं ना एकदम से गुस्सा फट के बाहर निकला है इस इंसान का, तो वो होता है। और जैसे जैसे मैंने आपको बताया ना, सेल्स फॉर्मेशन होती हैं और इस तरीके से वो गांठ बन जाती है, जिसको हम ट्यूमर भी बोलते हैं, जिसका रीजन क्या हुआ आप बताओ? कैंसर कहाँ से होता है? ट्यूमर से। वो ट्यूमर कैसे बना? एक सिंगल थॉट। देखिए, डिसीज अपने आप में बोलती है ना, डिस ईज, आई एम नॉट एन ईज, डिस ईज। तो एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, व्हाटएवर मेक्स यू अनकंफर्टेबल, व्हाटएवर मेक्स यू, इवन अगर आपके हेयर स्टाइल भी किसी को पसंद नहीं और आपके हेयर स्टाइल के लिए कोई बोल रहा है और आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है कि यार ये मुझे क्यों बोल रहा है बार बार, ये आपको बीमार कर सकता है। Exactly. कपड़ों के लिए टोकना भी आपको बीमार कर सकता है, क्योंकि वो एक थॉट, सिंपल सा आपको लगता है कि एक सिंपल सा थॉट, क्योंकि फीमेल्स के अंदर बहुत ज्यादा आता है सप्रेशन। क्यों आता है आजकल? एक बहुत लेटेस्ट है कि लोगों को बॉडी शेमिंग का बहुत ज्यादा चस्का चढ़ा हुआ है, जिमिंग का चढ़ा हुआ है, ठीक है, फिटनेस इज परफेक्टली फाइन, फिटनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर मेंटल हेल्थ, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि आपको इस ट्रेंड पे जाना है कि मुझे किसी को प्रूव करना है, मुझे अपने पार्टनर को प्रूव करना है दैट आई एम लुक सो स्लिम। यू हैव टू स्टार्ट लविंग योर हेल्थ, बिकॉज धीरे धीरे करके आप अपने आप से ही हेट करने लग जाते हो, और वो थॉट्स जो आप अपने आप को देते हो ना, वो बहुत ज्यादा इंटेंस होते हैं जो लोग आपको देते हैं। सो मैम, साउंड हीलिंग तो एंशियंट टाइम से चला आ रहा है, तो इसमें कोई एवोल्यूशन कुछ बताएंगे कैसे एवोल्यूशन हुआ? देखिए, साउंड हीलिंग चाइल्डहुड से
अगर जब आप बात करते हैं जब आप माँ के गर्भ में होते हैं तब भी आप साउंड सुनते हैं, माँ के थ्रू आप सारी साउंड सुनते जा रहे हैं, जब आप पहली साउंड निकालते हैं जब बच्चा डिलीवर होता है तब वो रोने की आवाज साउंड सुनता है, तो ये सारी चीजें जो है ये जब से सृष्टि बनी है तब से होती आ रही हैं। पर क्योंकि हम मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हम लोग कहीं ना कहीं अपनी एशियन ट्रेडिशंस वैदिक कल्चर भूलते जा रहे हैं। वी ऑल वॉन्ट क्विक फिक्स, एकदम से काम हो जाए, एकदम से टैबलेट खाओ ठीक हो जाओ। अरे आपका सर में दर्द हुआ है तो उसका रूट रीजन आप पता करो। देखिए ये सारी चीजें थोड़ी सी स्लो हैं बट ये इफेक्ट करती हैं बहुत पावरफुली। अब पहले के जमाने में क्या होता था, यही सब मोडालिटीज को हम काम लेते थे, हम सारी यूज करते थे रागों म्यूजिकों के थ्रू, तो हमने पता नहीं क्या क्या नहीं किया है लाइफ में, ठीक है, पर अब हम भूलते जा रहे हैं। But yes, after this COVID, what I have personally, रागो के द्वारा, तो राग में जैसे हमें पता है राग, तो हमें बहुत सारे राग हमारे म्यूजिक ट्रेडिशन में है, तो कुछ राग इसमें ऐसे हैं जिनके थ्रू हम हीलिंग्स करते हैं, जैसे राग यमन है, राग यमन इज द मोस्ट पावरफुल राग फॉर हीलिंग स्पेसिफिकली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जो लोग हैं, जो लोग सैड बहुत रहते हैं या फिर गुस्से में भी रहते हैं, उनके लिए भी राग यमन बहुत ही पावरफुल राग है। राग भैरवी बहुत पावरफुल राग है। इफ यू आर नॉट फीलिंग कनेक्टेड, आपको ऐसा लगता है आप भीड़ में भी आइसोलेटेड हो, अकेले हो, आप बहुत जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाते हो, राग भैरवी इज वेरी। सो ये राग जो है ये तो जब से म्यूजिक, और म्यूजिक लोग मुझसे पूछते हैं कि ना म्यूजिक कब से बना है, तो आई वॉन्टेड टू थ्रो वन लाइट कि म्यूजिक तो उस टाइम से था जब ह्यूमंस भी नहीं थे। जी हाँ, जब ये सृष्टि बनी थी, और अगर आप हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो जब बिग बैंग थ्योरी जिसको हम बोलते हैं, यूनिवर्स के अंदर कुछ चीजें कोलाइड करी और उन कोलाइजिंग के बाद में एक साउंड प्रोड्यूस हुई, उस साउंड को, उस नाद को हम इस तरीके से यूनिवर्स में सुनते हैं। और अगर आप ध्यान लगाएंगे अपने शरीर के अंदर तो आपके शरीर के अंदर भी ये हमिंग साउंड ही चलती रहती है। अगर आप अपनी पल्स को पकड़ेंगे और अपनी पल्स के साथ में कनेक्ट होंगे तो आपको ये कनेक्शन में भी हमिंग साउंड ही सुनाई देगी, लाइक टिक 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 टिक। सो दिस हमिंग साउंड इज एवरीवेयर, एक्सटर्नल यूनिवर्स में भी, इंटरनल यूनिवर्स में भी। हाँ, अब लेटर ऑन जैसे जैसे करके कोविड के बाद में भी चीजें काफी बढ़ती जा रही हैं और पीपल आर मोर टूवर्ड्स म्यूजिक, दे आर अंडरस्टैंडिंग क्यू चलो होलिस्टिकली वी आर, यू नो, वी वांट टू गेट रिड ऑफ आर प्रॉब्लम्स, बिकॉज पहले मेंटल हेल्थ के बारे में इतना अवेयरनेस नहीं था, अब बहुत ज्यादा अवेयर लोग हो रहे हैं। दे वांटेड टू ट्राई न्यू थिंग्स, दे वांटेड टू यू नो गेट प्रॉपर वे कि वो बिना दवाइयों के भी कैसे ठीक हो सकते हैं। बट आई वांटेड टू टेल दिस थिंग टू एवरीवन कि दिस इज नॉट अ न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू टेक्निक ऑफ हीलिंग, इट इज अ वेरी ओल्ड, वेरी ओल्ड। जब से इट इज वेरी ओल्ड, बट क्या है ना, आज भी हम लोग दवाई खाना ही पसंद करते हैं बिकॉज हमें पता ही नहीं है। अभी भी आप जितना अच्छा वर्क आप कर रहे हो ये बहुत लोगों को पता ही नहीं है। इवन जो मैं खुद नहीं जानता साउंड हीलिंग के बारे में, बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला कि हाँ ये भी ऐसा कुछ है, और बहुत बड़े बड़े सेलेब्स, बहुत बड़े बड़े लोग इसको हील कराते हैं, लेते हैं इस चीज को, तो उनको अवेयर कराना है इस चीज से कि हम इससे भी सही हो सकते हैं। बिल्कुल 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 हो सकते हैं। देखिये, अब आप लोगों ने भी रिसेंटली देखा था जब कोविड हुआ था तो थालियां बजवाई थी। Why was that? कभी किसी ने बात सोची? Because it was a collective conscious therapy. Collective conscious therapy का मतलब है जब एक साथ एक समय पे सब लोग कुछ ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं, नाद प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आस पास में जितने भी बैक्टीरिया वायरसेस हैं, क्योंकि वो उस ध्वनि से, उस फ्रिक्वेंसी से अलग है, वो बर्स्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये रीजन था थाली बजाने का? ये रीजन था। तो कंट्रोवर्सी सुनने को मिल गया? नहीं 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 नहीं, बहुत ही ये हम अक्सर बोलते हैं, जब आपने देखा होगा कि अगर आप गांव में कभी जाने का आपको मौका मिले, साउथ स्पेसिफिकली, तो केरल साइड में आप देखेंगे वहां पे अगर एलिफेंट्स आ जाते हैं, दे प्ले दिस थाली,
बिकॉज साउंड तो हर जगह पर बहुत इम्पैक्ट करती है. अगर हमें किसी को भगाना हो पटाखे चला देते हैं, आपने देखा है बंदरों का, तो सबने देखा होगा पटाखे चला दो. बिकॉज साउंड, कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं जो इंसान को डरा देती हैं, कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं जो इंसान को ठीक करती है. तो साउंड के साथ तो हमारा बचपन का पुराना नाता है. कुछ साउंड्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत इरिटेटिंग होते हैं, अनोइंग होते हैं. किस तरह के साउंड होते हैं? जैसे ट्रैफिक साउंड, अगर आपको हॉर्न की आवाज बार 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 कोई बार बार हॉर्न करता रहे, आपको इरिटेटिंग लगेगी. वो तो साउंड है ना, हॉर्न मतलब साउंड आ रहा है आपके कान में, पर आप इरिटेट हो जाते हो. और अक्सर आप लोगों ने एक और साउंड देखी होगी, जब हम लोग छोटे थे तो दूरदर्शन में एक जब केबल या फिर कनेक्शन खत्म हो जाता था तो एक आता ना झिल 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 झिल, आप कितनी देर तक उस साउंड को सुन सकते हैं? वो साउंड बहुत इरिटेटिंग होती है. एफएम में भी होती है वो साउंड. तो ये जो साउंड्स होती हैं बहुत इरिटेटिंग होती हैं. स्पेसिफिकली अगर हम ह्यूमन बॉडी के हिसाब से बोलें तो एनी काइंड ऑफ म्यूजिक व्हिच इज रिलेटेड विद यू नो हाई बीट्स. ओके, हाई बीट्स, हाई बीट में जैज म्यूजिक हो गया, रॉक म्यूजिक हो गया, दे आर गुड कि आप कभी कभी उनको सुन लें. सो नो ऑफेंस टू ऑल द रॉक म्यूजिक प्लेयर्स, बट कभी कभी सुन ले. बट अगर आप रेगुलरली उस पैटर्न में जा रहे हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी हायर मोड पे जा रहे हैं, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपके अंदर एंगर डेवलप होना शुरू हो जाएगा. तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको हर चीज बैलेंस में रखना है. तो अब अगर आपको कोई हॉर्न बार बार बजाता रहेगा तो आप परेशान हो जाओगे ना, और फिर आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली अच्छे से बैड में टर्न हो जाएगा. तो दिस इज हाउ वी हैव टू सी साउंड्स, अच्छी और बुरी हमारी सराउंडिंग्स में होती है. तो ओनली थिंग वी वांट इज अवेयरनेस. द मोमेंट हमारे अंदर अवेयरनेस आ गई कि दिस थिंग इज चेंजिंग माय बिहेवियर, दिस थिंग इज चेंजिंग माय एंगर और माय इमोशंस, तो मुझे पता है कि इस चीज से मुझे दूर रहना है. आपने अपनी वीडियो में ना बताया था कि जो पूजा की जो बेल होती है उससे हम घर की एनर्जी को क्लीन कर सकते हैं जी. सो जस्ट Please tell me or tell our viewers कि how does it works. तो पूजा की घंटी, किसी ने मुझसे पूछा था एक्चुअली में कि पूजा की घंटी से क्या होता है. तो ये सपोज पूजा की घंटी क्योंकि हर किसी के घर में बजती है या किसी भी प्रकार का साउंड बजता है, बट पूजा की घंटी मैंने इसलिए बोला था क्योंकि पूजा की घंटी हर किसी के घर में होती है. तो जैसे मैंने अभी थाली वाली बात करी ना, कि आप जब साउंड प्रोड्यूस करते हो तो आप उस जगह का, उस एटमॉस्फेयर का बैक्टीरियाज, वायरस, नेगेटिविटी डिस्ट्रॉय कर रहे हो किसी भी तरीके का साउंड. अब क्योंकि वो कलेक्टिव था, हमें पूरे यूनिवर्स का करवाना था, इसलिए एक साथ किया. अब हमें अपने घर का करना है, तो हम अपने घर के चारों डायरेक्शंस में, पूरे घर में उस बेल को जब प्ले करेंगे, इसीलिए सारे जी, जी, तो जब प्ले करेंगे तो उसमें से जो आवाज प्रोड्यूस होगी ना, तो वो सिर्फ बैक्टीरिया वायरसेस को रिमूव करेगी, बट जो टॉक्सिक थॉट्स घर में सेटल हो जाते हैं, एक हार्श इमोशन सेटल हो जाता है, क्योंकि घर में रहते हैं तो हर तरीके का इमोशन घर में आता है, तो वो भी ऑटोमेटिकली खत्म करता हुआ जाता है. इसलिए पूजा की घंटी प्ले करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप पूजा करें ना करें, बट उस घंटी को, उस बेल को प्ले करना बहुत इम्पोर्टेंट है. इसके साथ में एक और चीज भी है, शंख. शंख भी अगर आप घर में बजाते हैं वो भी बहुत पावरफुल है. तो इस तरीके का कोई भी आवाज जिससे आप घर में एक हारमोनी प्ले कर सकते हैं, क्योंकि घंटी पूजा की चीजों के साथ में हमारी आस्था जुड़ी होती है. तो जब हम आस्था के साथ किसी चीज को करते हैं तो एक पॉजिटिव अप्रोच आ जाती है. तो पॉजिटिव अप्रोच कहाँ से आई? दिमाग से. अब अगर मेरा दिमाग ही पॉजिटिव है एंड मैंने सोच लिया है कि दिस हैज टू बी लाइक दिस ओनली, तो रिजल्ट वही आएगा. मैम, बीइंग अ फाउंडर एंड चेयरपर्सन ऑफ हैप्पी हार्ट फाउंडेशन, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि आपको आइडिया कहाँ से मिला और क्या इंस्पिरेशन रही आपकी, और आइडिया आने से लेकर के एग्जीक्यूशन तक का सफर आपने कैसे था? तो हैप्पी हार्ट, एज अ नेम सेज, हैप्पी हार्ट. तो जब हम साउंड में काम कर रहे थे बहुत ज्यादा, तो पता लगता था कि सारी प्रॉब्लम जो है ना, ये है दिल हमारा. हमारा दिल में सब कुछ स्टोर होता है. अच्छा भी लगता है तो दिल से लगता है, बुरा भी लगता है तो दिल से लगता है. दिमाग का तो कहीं दूर दूर तक का कोई बसता ही नहीं है. ये एक्चुअली में सब कुछ यही है. ठीक है, अब जब काम करते थे तो फिर लगता था कि ये लोग बहुत कम आ पा रहे हैं, और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाना चाहते थे कि दिस मोडालिटी
which we have talked about, okay. ये बहुत पुरानी है. अपने शब्दों को बहुत केयरफुली आप बोले, क्योंकि ये तलवार की तरह काम कर रहे हैं सामने वाले के ऊपर. ये एक अप्रोच थी कि हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, एंड वी कैन स्प्रेड दिस वर्ड की साउंड हीलिंग नहीं बट आपकी इमोशनल हेल्थ क्या होती है. यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर इमोशंस. सो हैप्पी हार्ट फाउंडेशन का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि आपका दिल खुश होना चाहिए, और दिल खुश तभी होता है जब आपके इमोशंस बैलेंस होंगे. तो हैप्पी हार्ट का पूरा काम इमोशनल हेल्थ पे होता है. यस ऑफ कोर्स, जब ये फाउंडेशन के बारे में सोचा कि, और जब सारा प्रपोजल आया, सब नाम आया था, तो दिमाग में आया कि क्या नाम रखा जाए, एंड सडनली इट केम लाइक ओके लेट्स कीप इट हैप्पी हार्ट. तो हैप्पी हार्ट मतलब अभी जो भी कभी हैप्पी हार्ट बोलते हैं तो दे फील, बिकॉज व्हेन वी टॉक हैप्पी तो अपने आप दिमाग में एक वर्ड आ जाता है, हैप्पी, खुशी. आप बोल के देखें, सी इट ऑटोमेटिकली कम्स, कि जब हम हैप्पी बोलते हैं तो खुशी हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाती. तो यस, एग्जीक्यूशन का काम वॉज अ डिफिकल्ट, बिकॉज वी नीड टू रीच हमारे टारगेट्स थे कि हमें ज्यादा से ज्यादा. शुरू में लगा कि चलो ठीक है, पता नहीं लोग अप्रोच कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम लोगों तक पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, बट यस, पीपल आर लविंग दिस सो मच. एंड आज ये है कि इन 4-5 प्लेसेस वी हैव आवर सेंटर्स ऑफ हैप्पी हार्ट फाउंडेशन, एंड वी आर रनिंग वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम्स अंडर इट. साउंड हीलिंग के सिर्फ नहीं करते हैं, लोगों के अंदर ये मिथ है कि वी आर ओनली डूइंग साउंड हीलिंग थिंग्स. We are doing emotional healing programs. अब emotional healing में sound एक technique है. हम तो सिर्फ emotions के ऊपर काम कर रहे हैं, और अगर आप sound समझते हैं तो sound भी तो एक emotion ही produce कर रहा है. तो जब आपको पता है कि आपको शब्द कैसे निकालने हैं, आपको क्या बोलना है, क्योंकि उन शब्दों से सामने वाले पे वार हो सकता है या प्यार हो सकता है, तो फिर वहां पर आपको थोड़ा सा अवेयरनेस चाहिए. सो द मेन मिशन बिहाइंड मेकिंग दिस फाउंडेशन टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग योर इमोशंस, रिगार्डिंग योर वर्ड्स, व्हाट यू आर स्पीकिंग. तो वी हैव अ वंडरफुल टीम फॉर इट, एंड एवरीवन इज पैशनेट है. तो जब हम ये पूरा बना रहे थे तो, बिकॉज आई एम समवन यू नो हु इज क्रेजी फॉर माई वर्क, मैं अपने आप को और मेरे जो भी साथ में मुझे जानते हैं वो मुझे बोलते हैं फितूरी है तू, तो आई एम क्रेजी क्योंकि फ्रॉम द साउंड. सो आई हैव लर्न इट फ्रॉम सो मेनी पीपल, द प्रॉपर ऑथेंटिक फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, बट आई बिलीव दैट कि ये चीज कहीं ना कहीं अपने अंदर से था. सो जब मैं चाइल्डहुड में थी, मैं स्कूल डेज की बात बता रही हूँ आपको, तो आई वॉज लाइक फ्रॉम द डे बिगनिंग आई वॉज सो मच कनेक्टेड विद द म्यूजिक. तो बहुत म्यूजिक के साथ में कनेक्शन था कुछ, तो मुझे गाने सुनना बहुत पसंद था. और मैं क्या करती थी, जब घर में किसी का मूड खराब होता था तो उसको एक गाना प्ले करके बजा देती थी और उसका मूड ठीक हो जाता था. एंड दिस आई टुक लाइक यू नो, ओ सीरियसली म्यूजिक ने ऐसा काम कर दिया, देखो गाने कितने अच्छे होते हैं, गाने कितने अच्छे होते हैं, किसी भी तरीके के गाने. सो देखिए, जो आपका जैसा मूड होता है ना, आपके बॉडी के अंदर जिस तरीके की फ्रिक्वेंसी चल रही होती है ना, आप ऑटोमेटिकली वो म्यूजिक पकड़ लेते हो. म्यूजिक का मतलब क्या है, सुर. कोई भी चीज जो सुर में चल रही है और सुर के बाहर चल रही है तो वो असुर हो गई. एनीथिंग व्हिच ब्रिंग्स योर बॉडी इनटू रिदम. अब अगर मैं बहुत हैप्पी हूँ, ठीक है, और हैप्पी के साथ में मैं कोई सैड सॉन्ग सुनती हूँ, क्या मेरी बॉडी वो एक्सेप्ट करेगी, मुझे वो सैड सॉन्ग अच्छा भी नहीं लगेगा. इसीलिए आपने अक्सर सुना है कि जब ब्रेकअप्स होते हैं तो सब मोहम्मद रफी और यू नो सब और हाँ सब वो सुनने लग जाते हैं सैड सॉन्ग्स एंड ऑल ना. और जब आप बहुत हैप्पी होते हो तो फिर भाई आप तो मिका सिंह तो पार्टी में बनते हो आप लोग. तो ये एक जोन हमारा होता है कि हाँ हम लोग इस तरीके से, क्योंकि हमारी बॉडी उसको छोड़ देती है, हमारी बॉडी को वो चाहिए ही नहीं, ठीक है. अब इसलिए
कभी भी कोई इंसान बोलता है ना मेरा ये गाना स्पेसिफिक है, कभी एक गाना स्पेसिफिक होता ही नहीं, राग स्पेसिफिक होता है, वो गाना किस राग में गाया गया है, वो गाना किस जोन में गाया गया है और आपके क्या इमोशंस कनेक्ट होते हैं उस म्यूजिक से. सो आई ऑलवेज टेल माई पीपल डू नॉट, इफ यू एक्चुअली वॉन्टेड टू हील योर बॉडी थ्रू म्यूजिक थेरेपी और थ्रू साउंड थेरेपी और थ्रू सॉन्ग्स, नेवर लिसन लिरिक्स म्यूजिक जिनके अंदर शब्द होते हैं. क्योंकि अगर आप शब्दों के गानों से आप सोच रहे हैं अपनी हीलिंग करना, तो आप हीलिंग नहीं करोगे, आप अपनी लाइफ को उन गानों से जोड़ना शुरू कर दोगे, क्योंकि वो शब्द ही हैं जो आपके शरीर में चलते हैं. शब्दों से आपका परिचय है, रागों से परिचय नहीं है आपका. तो हमेशा जब भी हीलिंग करनी होती है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आर द बेस्ट बेस्ट, एंड इंस्ट्रूमेंटल में भी वाटर म्यूजिक इज द बेस्ट. बिकॉज हमारी शरीर 90% वाटर, 70 से मोर देन 70% इट्स वाटर वाटर. तो वाटर को वाटर से हील करोगे तो रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा है. इसीलिए जब हम पहाड़ पे जाते हैं तो झरने की जो आवाज होती है उससे बहुत लोग पसंद करते हैं. मैम, इस फाउंडेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, हैप्पी हार्ट फाउंडेशन का, ये दिल छोटा हो या बड़ा हो खुश होना चाहिए. तो आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग, आपके लिए खुशी का क्या मतलब? मेरे लिए खुशी का मतलब है जब मेरे पास में लोग आते हैं एंड जब वो प्रॉब्लम में होते हैं, आई सी देम, बहुत दिक्कत होती है. एंड आई ऑलवेज से कि मेरे पास जब भी लोग आते हैं हर जगह से घूम फिर के ही आते हैं कि नैनोपैथी में कुछ बना ना होम्योपैथी में बना, एंड लास्ट ऑप्शन होता है चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं. सो व्हेन पीपल कम टू मी एंड दे आर वेरी वेरी यू नो निराश होते हैं एंड उनकी आईज जो होती हैं आई सी, एंड जब वो ट्रीटमेंट चलता है, थेरेपीज चलती हैं, वो वेंट आउट करते हैं, रिलीज करते हैं, हम वहाँ उस स्टेज तक पहुँचते हैं जहाँ पे उनकी एक्चुअल में प्रॉब्लम जनरेट हुई थी, तो सब कुछ जर्नी जब खत्म हो जाती है और जब वो स्माइल देते हैं ना, और ड्यूरिंग द थेरेपीज भी वो जो स्माइल है ना और वो जो आंखों में चमक होती है ना, होप, दैट गिव्स मी सो 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 काम एंड एनर्जी. तो पीपल आस्क मी, आप पूरे पूरे टाइम काम करते रहते हो, व्हाट इज योर यू नो पावर जनरेटर एंड व्हाट गिव्स यू यू नो दिस थिंग. सो वन थिंग इज दिस, यू नो द स्माइल एंड द शाइन इन देयर आईज. And उसके बाद में there are some people, you know, this thing, you know, when they give this satisfaction वाला आपको एक कि हाँ thank you, वो thank you और वो gratitude में जो power होती है ना, क्योंकि मैं शब्दों का काम करती हूँ, मेरी पूरी दुनिया ही music और sound में सराउंडिंग चल रही है, तो मुझे एक एक शब्द का मतलब है कि वो शब्द आपके शरीर में कहाँ impact करता है. So when anybody say thank you to me, I take it to my heart and that gives me so much bliss. So that's my mantra to have an active day. That is your khushi. That is my khushi, yes. And there are a lot of moments when I feel like, you know, when I connect with more and more people, because मुझे लगता है मेरी जिंदगी बहुत छोटी ना पड़ जाए, मेरा मिशन बहुत बड़ा है टू कनेक्ट मोर एंड मोर पीपल. हमारी दुआएं आपके साथ हैं. थैंक यू. तो मैम, इस फाउंडेशन के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ कि व्हाट ऑल गुड वर्क्स दिस फाउंडेशन हैज डन टिल डेट एंड व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स. देखिए, काम हमने इसमें हर एज कैटेगरी में हम लोग कर रहे हैं, बच्चों के साथ में भी कर रहे हैं, हम लोग फीमेल्स के साथ में भी कर रहे हैं. सो देयर इज वन स्पेशल प्रोग्राम जो हम फीमेल्स के लिए रन करते हैं, विच वी कॉल प्राण शक्ति. जिसका मतलब है हम प्राण, जो कि हमारी कॉन्शियसनेस है, और शक्ति यानी कि एनर्जी, उस एनर्जी को हम अवेकन कराते हैं. बिकॉज हमारी फीमेल्स, हम फीमेल्स के अंदर यू नो हर चीज को होल्ड करने की ताकत है. तो वो दुख भी होल्ड करने की सबसे ज्यादा ताकत है. अगर वी टॉक अबाउट आवर मम्मीज, मदर्स की बात करते हैं, नो मैटर अप्रिशिएट करें नहीं करें, वो कंटिन्यूसली दे आर डूइंग एवरीथिंग और विद अ हैप्पीनेस. ठीक है, तो पर वो बुरा सप्रेशन भी तो अंदर जा रहा है ना. सो वी आर डूइंग दिस प्रोग्राम प्राण शक्ति फॉर ऑल द फीमेल्स टू रिलीज दैट सप्रेस इमोशन एंड दे कैन नो द टेक्निक्स हाउ टू डील इफ समथिंग हैज हर्ट देयर बॉडी, देयर माइंड और बैडली, और वो मतलब ओवरकम नहीं कर पा रही है. सो दिस इज अ वंडरफुल प्रोग्राम जो हम करते हैं. द अनदर प्रोग्राम इज दिस 3 डेज डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम, जिसमें हम
तीन दिन के लिए एलिमेंटल बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें दुनिया भर से लोग आते हैं और इसमें हम पूरी तरीके से हर एक एलिमेंट को पिक करते हैं, वन बाय वन करते हैं और एलिमेंट के थ्रू थेरेपीज होती हैं। एलिमेंट्स यानी कि हमारी बॉडी पांच एलिमेंट से है, पंच महाभूत का शरीर बोलते हैं ना, सो वाटर, अर्थ, एयर, फायर, स्पेस। तो इन एलिमेंट्स को पकड़ते हैं, जैसे अब हमारी एक रिट्रीट होने वाली है जिसमें हम अर्थ एंड वाटर को पिक कर रहे हैं और उसके बाद में फायर को पिक करेंगे, फिर एयर और स्पेस को पिक करेंगे। तो इस तरीके से वी डू थ्री, सो 9 days का टोटल प्रोग्राम्स होता है, 3x3x3 डिवाइडेड करते हैं 2-2 months के गैप में। इसके अलावा वी आर डूइंग लॉट ऑफ ऑनलाइन ऑफलाइन सेशंस टू प्रोवाइड यू नो अवेयरनेस। वी आर रनिंग स्कूल कैंपेन्स, वी आर रनिंग रूरल विलेजेस में जाकर ग्रामीण में कैंप्स कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वी आर नॉट डूइंग कैंप्स लाइक अदर पीपल आर डूइंग कि हाँ गांव में जाओ ये करो वो करो। वी आर प्रोवाइडिंग देम एक्चुअली देयर यू नो अवेयरनेस रिलेटेड विद देयर इमोशंस। कि अगर कोई लेडी है उसको नहीं समझ में आ रहा है, कोई आदमी है उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा, हाउ द पर्सन कैन ओवरकम फ्रॉम द इमोशन। एंड आई बिलीव कि दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट गिफ्ट ही है अगर इंसान को समझ में आ जाए कि उसकी शांति, उसकी खुशी कहाँ छुपी हुई है, अगर उसको ये पता लग जाए। क्योंकि आधे से ज्यादा दुनिया को तो यही नहीं पता कि मुझे खुशी किस चीज में मिलती है। लोगों को लगता है पैसा कमाने में खुशी मिलती है। अब अगर पैसा आ गया आपके पास में, क्या आप उस पैसे को जिंदगी भर अपने हाथ में रखोगे? उससे कुछ चीज तो लाओगे ना। तो कपड़े लेकर आ गए, कपड़े को पहनकर क्या अकेले में बैठे रहोगे? उसके बाद में पहनोगे, पहनने के बाद में अपने आप को देखोगे, अच्छे दिख रहे हो तो फिर क्या अच्छे दिखते ही रहोगे? फिर कहीं जाने का मन करेगा और फिर लोगों से तारीफें करने सुनने का मन करेगा और वो सुनने के बाद जो खुशी आएगी दैट इज एक्चुअली अ खुशी। ठीक है, तो लोगों को खुशी नहीं पता, लोगों को क्या पता है? मेरी खुशी है पैसा कमाना, पैसा कमाना। अब अगर हम इसको ये लॉन्ग सर्कल की जगह पे अगर हम इसे शॉर्ट सर्कल में भी करेंगे ना, तो आपको इजी वेज में खुशी मिल सकती है क्योंकि आपका रास्ता था कि लोगों ने आपकी तारीफ करी, आपको खुशी उसमें मिली। तो वो रास्ता आप, तो हम वो रास्ता लोगों को दिखाते हैं कि आपका ये शॉर्ट वे रास्ता हैप्पीनेस का ये है, जो कि आपको पता है व्हाई यू वांटेड टू चूज एंड व्हाई यू वांटेड टू गो फॉर अ लॉन्ग रास्ता व्हेन यू हैव ऑलरेडी अ लॉन्ग रास्ता। देखिए लाइफ में ना बेसिक सर्वाइवल्स हमारे बहुत थोड़े से हैं, इट इज अस जिसने बहुत कुछ बढ़ा लिया है और सेटिस्फेक्शन की कभी कोई सीमा होती ही नहीं है। साउंड बैंड के बारे में जानना चाहूंगा, साउंड ऑफ इंफिनिटी बैंड विच इज एशियाज फर्स्ट म्यूजिकल हीलिंग बैंड। सो मैम, अभी तक जो हमने सुना बाकी बैंड्स के बारे में सुना जो लोग कॉन्सर्ट करते हैं, लाइक इंजॉय करते हैं वो कॉन्सर्ट, सो प्लीज टेल आवर व्यूअर लाइक अबाउट दिस बैंड एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल बैंड्स। The Sound of Infinity Band is a band which have 9 frequencies which have our body. हमारी बॉडी के अंदर भी 9 frequencies है और Sound of Infinity का जो concept है 9 frequency based है, जिसमें पूरे के पूरे हमारे साथ रंग जो हैं यूनिवर्स के अंदर और साथ में काला सफेद। Okay. We also take like you know white and black is also an important color. So I'm like giving a very short brief about it. So इसके ऊपर ये based है। अब the concept behind making Sound of Infinity because we wanted to connect with the youth. Okay. Okay, and the trend was band. So this band is, we produce music, we give like all the sounds, which take outsource sounds also in it. Okay. कि कुछ हमने रिसर्च करी है कि ये साउंड भी बहुत अच्छा हेल्प कर रही है. So this band is a Asia's first musical healing band. ये आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगा क्योंकि जब आप इसको अटेंड करोगे एक बार तो आपको लगेगा देयर इज समथिंग अ बिग शिफ्ट इनसाइड योर बॉडी। आप किसी भी मोड में आओ, यू अटेंड 30 मिनट का म्यूजिक एंड यू विल कंप्लीटली अ चेंज्ड पर्सन। अगर आप गुस्से में भी हो, बिकॉज आई हैव सीन लाइव एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ मी एंड जब ये बैंड फॉर्म हुआ था कोविड से पहले ये बना था
और उसके बाद में फिर बैक टू बैक द शोज वर गोइंग ऑन एंड उसके बाद में कोविड आ गया. सो यू वोंट बिलीव कोविड के टाइम पे भी वी वर ऑनलाइन डूइंग इट बिकॉज़ पीपल वर सो मच गेटिंग रिलीव्ड. बहुत आराम मिल रहा था. सो आराम का मतलब है कि इस बैंड के अंदर ऐसी फ्रीक्वेंसीज हमने रखी हैं, ऐसे म्यूजिक्स को रखा है जो इंसान की बॉडी को रिक्वायर्ड है. नो ऑफेंस विद एनी अदर म्यूजिक बैंड्स बट दिस इज अ यूनिक बैंड विच गिव्स हीलिंग. तो हमारे दिमाग में इसको बनाने से पहले यह था कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स कानों के थ्रू स्किन के थ्रू आती हैं, साउंड के थ्रू ही तो आ रही है. व्हाट इफ हम कुछ ऐसी चीज निकालें जो कानों के थ्रू ही हम सुने, स्किन के थ्रू महसूस करें और हमारी हीलिंग शुरू हो जाए. Rather than, you know, उसके लिए कुछ आपको थेरेपी की जरूरत नहीं करनी पड़े, आपको किसी काउंसलर के पास नहीं जाना पड़े, बस जस्ट दो मिनट का म्यूजिक सुनो. और यही कॉन्सेप्ट पे हमने म्यूजिक कैप्सूल्स बनाए थे. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि जो साउंड ऑफ इंफिनिटी बैंड आपने बनाया, एक तो आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आना, देन उसको एग्जीक्यूट करना, एंड देन उसका एशिया फर्स्ट म्यूजिकल हीलिंग बैंड बन जाना. सो हाउ वाज योर फीलिंग ऑफ दिस एंड आर यू सैटिस्फाइड, हाउ मच सैटिस्फाइड यू आर? सी, मैंने अभी बोला ना, सैटिस्फैक्शन की तो कोई सीमा नहीं होती है. बट यस, आई एम हैप्पी. आई एम हैप्पी दैट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द बैंड people were loving it and people actually got relieved. So humne do music capsules banaye hain. So music capsules are like the tablet capsules, you take it from your mouth. Music capsules are you listen through your ears. Kaam ek hi karenge dono cheeze. But ye jab aap sunoge to ye aapke deep rooted aapki body ke andar neurotransmitter ke through aapki body ke behavior pattern ko change karenge. Theek hai, capsules apne jo capsules ke bare mein bataya wo capsules स्लीप डिसऑर्डर्स को भी ठीक करने के लिए या फिर कुछ क्रिएटिव इश्यूज को, उसके बारे में कुछ बताएंगे हम. जो कैप्सूल है एशियाज फर्स्ट म्यूजिकल हीलिंग कैप्सूल, राइट जी, हम उसके बारे में कुछ बताएं. तो हम लोगों ने दो कैप्सूल्स इसके बनाए हैं, म्यूजिकल कैप्सूल्स जिनको आप सुन सकते हैं. द फर्स्ट कैप्सूल यानी कि फर्स्ट म्यूजिक फ्रीक्वेंसी इंटेक करने वाला कैप्सूल नहीं है ना? नहीं नहीं, म्यूजिकल कैप्सूल, इसीलिए मैंने बोला ना म्यूजिकल कैप्सूल. म्यूजिकल कैप्सूल यानी कि आप सुन रहे हैं उसको. तो दो है. तो फर्स्ट इज फॉर स्लीप डिसऑर्डर्स, ठीक है, जितने भी लोग हैं जिनको नींद नहीं आती है या फिर जितने भी लोग हैं जो सोना चाहते हैं बट दे डोंट फील साउंड स्लीप, के बीच में ब्रेक ब्रेक वाली नींद होती है, थकान महसूस होती रहती है, तो उन लोगों के लिए द फर्स्ट म्यूजिक कैप्सूल्स, ठीक है. अब उसके अंदर जितनी भी फ्रिक्वेंसी है, सो द सॉन्ग बिहाइंड दैट म्यूजिक वॉज बुद्धम शरणम गच्छामि, ठीक है. तो बुद्धम शरणम गच्छामि को जिस राग में उसमें गाया गया है, दैट राग इज फॉर स्लीप डिसऑर्डर. एंड बहुत लोगों को आराम मिला, मतलब आई गॉट सो मच फीडबैक्स कि हमने सुना और हमें नींद आना शुरू हो गया. एंड उसके बाद में द सेकंड म्यूजिक कैप्सूल विच वी हैव रिसर्च्ड एंड वी फाइंड आउट कि इनफर्टिलिटी रेट्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं. एंड सो जो सेकंड वाला है वो है क्रिएशन के ऊपर. सो लोग बोलते हैं कि आपने उसमें इनफर्टिलिटी भी बताया है, आपने क्रिएटिविटी भी बताई है. तो बेसिकली वो म्यूजिक कैप्सूल क्रिएशन के ऊपर है. अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि व्हाट यू वांट टू क्रिएट. यू वांट टू क्रिएट अ बेबी, यू वांट टू क्रिएट योर वर्क, यू वांट टू क्रिएट योर फैमिली, यू वांट टू क्रिएट योर लाइफ, व्हाट एवर यू वांट टू क्रिएट, बिकॉज दैट्स अ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिएशन. वो पूरा वाटर की डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हैं उसमें, वाटरफॉल साउंड है. एंड वी हैव पिक्ड नेचुरल साउंड्स, नेचुरल जगह जगह पर जाकर उन साउंड्स को हमने पिक किया. नेचुरल साउंड्स, वाटरफॉल, रिवर साउंड, ओशन साउंड और लेक की साउंड, रेनड्रॉप्स की साउंड्स. एंड व्हेन यू नो यू मिक्स ऑल दोस साउंड्स, इट हील योर वाटर. यू नो वाटर एलिमेंट है ना हमारे शरीर के अंदर, तो इतनी सारी म्यूजिक वाटर एलिमेंट सुनेंगे तो हमारी शरीर को एंड ऑटोमेटिकली आपके अंदर. लोगों को जिसको स्लीप डिसऑर्डर है वो ये कैप्सूल कैसे ले सकता, मतलब कैसे उसके लिए कुछ बताएंगे उसके लिए? आपको बस दिन में दो या तीन बार उसको दो मिनट, तीन मिनट के लिए सुनना है, दैट्स ऑल. वो सुनने के लिए जो साउंड है वो आप प्रोवाइड कराएंगे? जी, वो प्रोवाइड कराएंगे. और वो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे लोग? साउंड ऑफ इन्फिनिटी बैंड पे आप जाएंगे, देयर इज लॉट ऑफ वेबसाइट विद
साउंड ऑफ इन्फिनिटी आप गूगल पे भी सर्च करेंगे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो देयर यू विल फाइंड आई थिंक कॉन्टेक्ट डिटेल्स नहीं वी हैव produce that song there also so though okay. we are not so much active on youtube it is not paid it is not paid it is not okay. paid anyone can listen dekhiye hamara mission hi hai ki awareness jab aapka dimag mein ho ki aapko awareness create karni hai na to aap paisa nahi sochte hote to sabhi ko sunna chahiye ji bilkul sunna chahiye usko aur wo isiliye humne dal diya tha okay. youtube pe dala hua hai sound of infinity band pe hai aur दो हैं दोनों ही वहां पर आप लोगों को मिल जाएंगे मैम देयर इज अ सेइंग दैट ऑथर्स आर ड्रीम आर्किटेक्ट्स और आपकी एक ड्रीम बुक है ब्रह्म से ब्रह्मांड जिसको ड्रीम गर्ल से हेमा जी से अवार्ड बेस्ट इंस्पिरेशनल बुक अवार्ड भी मिला सो व्हाट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड राइटिंग दिस बुक सो द इंस्पिरेशन बिहाइंड राइटिंग दिस बुक वाज माय पेरेंट्स सो दे ऑलवेज वांटेड मी टू यू नो पुट माय व्यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट क्योंकि हमेशा से मेरे पापा एक बात बोलते थे कि जो कलम से लिखी हुई चीज है वो हमेशा रहती है वो हिस्ट्री बन जाती history है तो ये जो मिशन है ये जो काम है उसको आप लिखो ताकि और ज्यादा लोगों तक पहुंचे जहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो सो यस ऑफ कोर्स दिस वाज एंड ऑफ कोर्स माय सन आई कैन नेवर फॉरगेट दैट दिस बुक इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू हिम विहान क्योंकि उसको था मम्मा व्हेन ही वाज इन फैक्ट 4 or 5 मम्मा लेट्स राइट अ बुक एंड वी बोथ यूज्ड टू व्हाट विल वी राइट इन दिस बुक वी राइट अबाउट द बोल्स अबाउट हाउ पीपल थिंक एंड दैट्स हाउ यू नो द आइडिया ऑफ राइटिंग हाउ डिड यू चूज द नेम ब्रह्म से ब्रह्मांड सो ब्रह्म से ब्रह्मांड सो इनिशियली द नेम वाज द कंप्लीट साइंस बिहाइंड साउंड ऑफ हीलिंग दिस वाज द नेम ऑफ द बुक एंड द सेकंड नेम व्हिच केम इनटू माय माइंड वाज साउंड फ्यूचर थेरेपी ओके 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 बट मुझे कनेक्शन नहीं महसूस हुआ था क्योंकि जो बुक के अंदर है और जो लिखा है उससे ये टॉपिक्स कनेक्टेड नहीं हो रहे थे एंड एक दिन बैठी थी और ऐसे ही बैठते बैठते सडनली खाना खा रही थी इनफैक्ट एंड सडनली दिस गॉट कनेक्टेड ब्रह्म से ब्रह्मांड ब्रह्म से ब्रह्मांड का अर्थ होता है कि ब्रह्म यानी कि थॉट्स और इसका एक दूसरा होता है ब्रह्म यानी कि इल्यूजन्स ओके तो थॉट और इल्यूजन दोनों से ही हमारे ब्रह्मांड का निर्माण होता है और हमारा ब्रह्मांड है हमारा बॉडी और हमारा एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर तो जैसे हमारे थॉट्स होंगे वैसे ही हमारे विचार होंगे और वैसे ही हमारा रिस्पांस होगा दिस वाज द कोर कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस टाइटल कि बुक के अंदर जो लिखा है बिल्कुल पढ़ते ही क्लियर हो जाए मैम फर्स्ट एक तो के बेस्ट इंस्पिरेशन बुक का अवार्ड मिलना दैट टू हेमा जी से मिलना सो हाउ वाज दैट फीलिंग दैट वाज वंडरफुल फीलिंग बिकॉज़ सो बुक वाज एप्रिशिएटेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल And specifically Hema Malini ji, when she read the book and पढ़ने के बाद में उन्होंने जिस अपने अंदाज में टाइटल बोला था ब्रह्म से ब्रह्मांड बोलते वाह मजा आ गया पढ़कर टाइटल द ओनली टाइटल सो ऑफकोर्स दैट मोमेंट वॉज स्पेशल मोमेंट एंड आई वुड ऑल्सो से जब चेतन भगत जी ने भी ये टाइटल पढ़ा था उनको भी बहुत पसंद आया था एंड ही रियली लाइक द बुक So, a book is appreciated by a lot of people if I talk about, you know, जो लोग लिखते हैं किताब उन लोगों को काफी पसंद आए because it is a very thin book, बहुत पतली सी है and it is written in a very, very, very simple English, कोई बहुत philosophical English नहीं लिखी है आसान जिन लोगों को बहुत ज्यादा अंग्रेजी बोलना नहीं आता या समझ में नहीं आती वो लोग भी बहुत आराम से उस किताब को पढ़ सकते हैं इतनी आसान भाषा में लिखी है ऑफ कोर्स हिंदी वर्जन अभी नहीं आया है वी आर इन अ यू नो वर्क की उसको भी जल्दी हम लोग पब्लिश करेंगे बट बहुत आसान और साधारण सी किताब है बट बहुत पावरफुल है जो यूथ हमारा पॉडकास्ट को सुन रहा है तो वो क्या आर्टिकुलेट कर सकता है या फिर क्या लर्निंग डेवलप कर सकता है इस बुक को पढ़ो देखिए हमारे यूथ को ना डायरेक्शन की बहुत जरूरत है बिकॉज दे आर You know they are actually having the master energies, energy level देख रहे हैं बहुत अच्छा है but direction अगर हमें मिल जाए direction से मतलब है कि the patience level okay अगर मेरे अंदर सब्र आने लग गया तो मुझे पता है
कि मुझे एक बार की हार से हारना नहीं है, दो बार की हार से हारना नहीं है, मुझे चलते जाना है। ये बुक आपको लाइफ को चलना कैसे है, लाइफ में अपने साथ लोगों को जोड़ के कैसे रखना है, साथ मिलके कैसे रहना है, और आपके ही व्यवहार से सामने वाले को कितना तकलीफ, कितना हार्म पहुंच सकता है, ये सारी चीजें बताएगी। एंड आई बिलीव कि जो हमारा यूथ है इनको ये सब चीजों की बहुत जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आइसोलेटेड हो जाते हैं अकेले में। जब कोई कुछ बोलता है दोस्त के साथ भी झगड़ा हो जाता है तो एक कमरे में चुपचाप हो जाते हैं। अक्सर अगर मैं प्रॉपरली कपल्स की बात करती हूँ तो ये यंग जनरेशन वाले जितने भी बच्चे हैं हमारे, सब ब्रेकअप्स के बाद में दे बिकम लाइक सो सैड, जैसे लाइफ खत्म हो गई है, इसके बाद लाइफ ही नहीं। तो ये बुक जो है जीवन जीने की आपको राह दिखा रही है। सो आई ऑलवेज से कि बचपन में हम सब लोगों ने कुंजियां पढ़ी हैं, की पढ़ी है ना, शॉर्टकट्स, तो ये लाइफ है और इसमें बहुत अप एंड डाउन आते हैं। लोग कहाँ पढ़ सकते हैं इस बुक? Amazon पे ये अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, आप वहां से Amazon पे जाकर के देख सकते हैं, बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। Kindle पे भी है, Kindle से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको हमारे थ्रू मंगवाना है तो आप हैप्पी हार्ट फाउंडेशन के थ्रू भी मंगवा सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगी। मैम, काफी लोगों को, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको TEDx पे जाने का मौका मिलता, आपको वहां जाने का मौका मिला, यू वेंट देयर एज अ स्पीकर, so how was that experience? That is, experience was so wonderful because TEDx is an international platform and speaking about my topic there was wonderful. बहुत और भी amazing speakers थे जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे topics पे बोला था. So yes, it was a great TEDx पे अपने डिजीज और 3Fs के बारे में बताया, कुछ ब्रीफ दे सकते हैं जी? हाँ, 3Fs और डिजीज का मतलब, तो डिजीज का मतलब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एनीथिंग व्हाटएवर मेक्स यू अनकंफर्टेबल, नॉट इन इजी मोड, दैट इज डिजीज। एंड 3Fs आर द बिहेवियर पैटर्न। कुछ भी आपकी लाइफ में अगर कुछ भी होता है तो आपकी बॉडी 3F में रिएक्ट करती है। फर्स्ट एफ इज फाइट, आप उस चीज के लिए आर्ग्यू करते हो, रिवोल्ट करते हो, फाइट करते हो उस चीज को बचाने के लिए या अपने आप को प्रूफ करने के लिए। सेकेंड इज फ्लाइट, अगर आपको समझ में नहीं आया भाग जाते हो वहां से, कभी कभी ऐसा होता है फिजिकली वहां प्रेजेंट होते हो मेंटली आउट हो जाते हो, ठीक है, ये अक्सर यूथ के साथ होता है। एंड द लास्ट वन इज फ्रीज, हम जम जाते हैं, हम नम हो जाते हैं। दिस हैपेंस मोस्टली विद फीमेल्स कि दे आर सो मच सप्रेस्ड कि उनको पता ही नहीं होता, उनको फील ही नहीं आता है, महसूस ही नहीं होता है कि ना तो वो गुस्सा महसूस कर पाती हैं, आता है गुस्सा पर महसूस नहीं कर पाती, ना वो प्यार महसूस कर पाती हैं। तो हमारा शरीर और हमारा माइंड, कभी भी हमारे साथ में कुछ भी होता है, इन 3Fs, फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज, इन तीनों के द्वारा ही रिएक्शन देगा। हमारा एक छोटा सेगमेंट है मिथ्स एंड फैक्ट्स का, मैं कुछ क्वेश्चंस रखूंगा आपके सामने, आपको जल्दी से बस बताना है कि ये मिथ है या फैक्ट है। अगर एक्सप्लेन करना चाहते हो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हो आप। सो मैम, पहला क्वेश्चन है, ओनली मेंटली अनस्टेबल पीपल नीड साउंड थेरेपी? नहीं, एवरीवन नीड साउंड थेरेपी। ओके, सेकंड वन, ऑल मेंटली अनस्टेबल पीपल कैन बी कंसीडर्ड मैड? नो, इट्स अ मिथ। इट्स अ मिथ। ओके, ओनली एक्सपर्ट कैन प्रैक्टिस साउंड हीलिंग? So that's a neutral. Actually, fact bhi hai, myth bhi hai. Everyone can practice sound healing. Okay. Okay. Healing practices can help with addiction. Yes, it helps. It helps with addictions. Any sort of addiction. Okay. Chai ka bhi addiction hai, to usse bhi help karega. But wo toh achhi cheez hai. Okay. It is really expensive to afford? Because ye main bhi janna chahta hoon ki bahut expensive hai. Mujhe bhi aisa lagta hai, sound healing expensive ho sakti hai. साउंड ये मिथ है पहली बात। साउंड हीलिंग सेशंस आर डिपेंड अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स, ठीक है, बट दे आर नॉट सो एक्सपेंसिव। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया ना, आप वॉइस के थ्रू बात करके भी अपनी हीलिंग कर सकते हो, बस आपको राइट सोर्स पता होना चाहिए। लेकिन अगर किसी को आपके सेशन के लिए अगर किसी को एक्सपर्ट के पास में जाना है, मेरे पास में आना है या किसी और के पास में जाना है, तो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से, बट दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। ओके,
नॉर्मल होते हैं, ये मिथ है एक्चुअली में कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. मंत्र हीलिंग इज एक्सक्लूसिवली रिलीजियस? नो, दैट्स अ मिथ. सो मंत्रास आर अ फॉर्म और अ सेट ऑफ रिदमिक सेंटेंसेस जो आपकी बॉडी को रिदम में, हार्मनी में लेकर आती है. ठीक है, अब वो मंत्र कुछ भी हो सकते हैं, एक अच्छा सेंटेंस भी हो सकता है. ठीक है, बट आप अगर उसको रिलीजन के साथ में जोड़ देंगे तो वो हीलिंग बंद हो जाएगी. सो इट्स अ मिथ. मैं, मेरे पास में बहुत हर कम्युनिटी से लोग आते हैं तो दे ऑल डू चैंटिंग, ओम करते हैं. एंड जो मैंने बताया आपको कि एक जो विश्व नाद है, दैट्स हम, वो तो सब के अंदर चल रहा है, वो तो सबसे बड़ा मंत्र है. एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरा. यू वेंट टू तिहाड़ जेल, आई मीन तिहाड़ जेल में आपने जो तिहाड़ जेल के कैदियों के साथ आपने एक ट्रेनिंग सेशन दिया था वहाँ पे. सो हाउ वॉज दैट एक्सपीरियंस? वर यू टेंस्ड इन द स्टार्टिंग और लाइक वॉज दैट डिफिकल्ट फॉर यू? सो This was a interesting story. क्या हुआ था कि जब मेरे पास में तिहाड़ जेल के लिए आया था सेशन देना है, तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे तिहाड़ जेल में जाना है. आई वॉज थिंकिंग मुझे रोहिणी जेल में जाना है एंड आई वॉज प्रिपेयर्ड. सो माई ड्राइवर सेट कि सो द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जेल जेलर, दैट पर्सन कॉल्ड मी, आप मैम कितनी देर में पहुँच रहे हो? एंड मैंने बोला कि 5 मिनट लगेंगे. तो फिर आई सेड ओके. फिर मेरे को लगा, मैंने दोबारा से पढ़ा, तिहाड़ जेल लिखा हुआ है इसमें तो. एंड आई कॉल्ड अगेन एंड आई कॉल्ड माई टीम मेंबर्स एंड आई सेड तिहाड़ जेल में है ये तो. ओके, और बिकॉज तिहाड़ जेल नाम से लगता है थोड़ा सा स्कैरी. यस, व्हेन आई वेंट सो गेट पर देयर वाज लॉट ऑफ प्रोटोकॉल्स वी हैव, मतलब एक गेट से दूसरा गेट, फिर तीसरा गेट, चौथा गेट एंड गेट, लॉट ऑफ सिक्योरिटी, एवरीथिंग वॉज यू नो स्कैरी. And the main jail, when we entered in the main jail, because वहाँ पे jail numbers हैं कि इन prisoners के लिए, क्योंकि वहाँ पे terrorists भी हैं, तो इनके लिए ये jail है, उनके लिए ये jail है. So हमारा जो था वो normal जो jail में prisoners थे उनके लिए था. तो जब हम वहाँ गए और main door पे enter किए, yes, I was nervous, I was scared. Because that was my first time with कैदीज. नहीं, कैदियों के साथ तो बहुत बार काम किया है, but तिहार जेल I was talking about, and उस टाइम पे मेरे माइंड में चल रहा था वो ऑरा, वो एनर्जी was so you know I can't even explain that energy in my words. तो everything went, we went inside. So of course everyone was so nice there with me because I was the only lady there. Okay. And there was one judge and superintendent the, lot of other policemen were there. They were like guarded. Yeah. I was so guarded and I was so protected. I was there first in the superintendent office, and then you know, there was a huge hall where all the prisoners were sitting, and I guess more than 100 people were there. And सो आई वॉज स्कैर्ड. शुरू में तो मैं डरी थी एंड मैंने मास्क लगा रखा था. आई डिडंट इवन रिमूव माई मास्क. तो जब मैं गई और फिर जब मेरा सेशन स्टार्ट हुआ, सो वी डिड ऑन इमोशनल फ्रीडम टेक्निक एंड वी डिड लाइक वाई यू नो दिस, क्योंकि जेलर से मैंने बात करके और सुपरिटेंडेंट ने मुझे बताया था कि किस टाइप के कैदी हैं उस जेल के अंदर और क्यों ये मानसिकता कैदियों की क्राइम करने की बनती है. सो वी डिड अ सेशन अलॉन्ग विद दिस टॉपिक एंड यू नो लेटर ऑन ऑल द पीपल यू नो जितने भी कैदी थे, दैट वॉज अ मेल जेल, तो सारे के सारे मेल थे. तो उनके अंदर मतलब क्वेश्चंस थे, मतलब देयर वर लाइक लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड देयर वर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने ये बोला कि वी डोंट वांटेड टू डू दिस, दिस कंडीशन हैज मेड अस टू डू दिस, दिस इमोशन हैज मेड अस टू डू दिस. एंड आफ्टर दैट देयर वर लाइक लॉट ऑफ अदर पीपल, द प्रिजनर्स हु वांटेड टू कम एंड टॉक, बट आई वाज लेटर ऑन, मतलब जब बात करती रही आई वाज नॉर्मल. मुझे लगा कि दे आर नॉर्मल. हाँ, कंडीशंस लाइफ में अप एंड डाउन होती है, इंसान को क्राइम करा देती हैं, बट अगर सही टाइम पे गाइडेंस मिल जाए, आपको समझ आ जाए कि ये क्यों किया आपने, अगर आप ये नहीं करते और आगे आप ना करो,
तो दैट वॉज अ वेरी फ्रूटफुल सेशन एंड एवरी वन अलॉन्ग विद द पुलिस मैन एंड एवरी वन लव डेट एंड लेटर ऑन वेन आई वॉज गोइंग तो दे वर लाइक टू थ्री प्रिजनर दे वॉन्टेड टू कम एंड दे वॉन्टेड टू टॉक regarding with their some issues but the superintendent didn't allow them to come near me and though I was scared to dekhiye ek wo jo energy maine wahan feel kari thi tihar jail ke andar wo bahut intense energy thi matlab us energy mein khada hona apne aap mein bahut 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 drained tha to kyunki us session ke baad maine superintendent se baat kari thi ki aapki life kaisi hai okay and he told me certain parts about his life and I had a word with the policeman the constable this lot of other people ki kyunki aap us energy mein rehte ho to wo energy aapke dimag pe bhi impact dalti hogi so yeah this was the incident and I can never kaha jana tha kaha pahunch ke so I always believed ki upar wale ne mujhe kyunki shayad agar mujhe pehle pata hota ki mujhe tihar jail mein jana hai so I could be like more prepared mentally aur wo energy ko shayad main exactly like main feel nahi kar pati but yes I enjoyed that session आपको रिसेंटली एक अवार्ड मिला राष्ट्रीय सेवा सम्मान सबसे पहले तो उसके लिए कांग्रेचुलेशन थैंक यू सो वो उसके बारे में बताइए आपको कब मिला ये हमें लास्ट मंथ मिला है जून 29th को ओके गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र से सो ये अवार्ड ये ऑनर हमें जो भी हम काम कर रहे हैं ये हैप्पी हार्ट फाउंडेशन को मिला है एंड आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई एम द पार्ट ऑफ दिस फाउंडेशन and people are working so hard and I guess जब आप मेहनत करते हो तो आपको appreciation की ज़रूरत होती है आपको ये appreciations ये honor ये बताते हैं कि आप सही direction में काम कर रहे हो and people are supporting you people are loving your work so in the field of holistic healing and in the field of sound and mantra we received this honor So yeah, it this was really great. Yeah, it was actually a moment for us. Exactly. Yeah. In 2022, you did a healing for former President Shri Ramnath Kovind and with his wife. So how was that experience? That experience was also fantastic. I mean, talking and doing things in front of the first man of the country. We always called the Kuch president. Limitations with him. Rashtrapita bolte hai na. Yes, there was lot of protocol. I mean, इतना protocol था, that the security थी. But I was honored, and this all has been done because of, I guess, ऊपर वाले की जब तक नहीं होती है. So उनका reaction ये था जब मैं उनके because I was the first person who have to done sound healing and who have to do certain rituals and वो सब करना था तो और मेरे को अपना topic के बारे में बोलना था ना I was blank. ओके इन फ्रंट ऑफ हिम बिकॉज मेरे दिमाग में था इनके सामने तो कोई बोलता ही नहीं है ना अब यू कैन नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट सो इनके सामने कोई बोलता नहीं है हाउ कैन आई स्पीक तो ऑफ कोर्स मैं ब्लैंक हो गई थी बट उसके बाद में व्हेन आई स्टार्टेड इट गोज वेरी वेल एंड वी डिड वंडरफुल साउंड बाथ एंड आफ्टर द सेशन सर सेड यू नो कि So he remembered my name and he said कि अंजु तुम तो बोली थी कि तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है क्या बोलना है और तुम खूब बोली हो तो later on he loved the sound he loved the book he appreciated it कि so simply it has been written and so yeah it was a lifetime actually lifetime moment for me great yeah मैं काफी सारे celebs के साथ भी आप काम करते हो तो काफी रिकॉग्निशन भी आपको मिलती है तो कोई ऐसा कोई इंसिडेंट है किसी सेलेब के साथ कोई फनी इंसिडेंट या कोई ऐसा इंसिडेंट आप कोई ऐसी लर्निंग जो आपको सीखने को मिली होगी सी बिकॉज अब क्या हो गया है कि आई बिलीव दैट वी आर एट अ स्टेज यस ऑफ कोर्स एवरी एप्रिसिएशन एवरी ऑनर मेक्स यू हैप्पी एंड मोर ओवर इट गिव्स यू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू मोर एंड मोर एफिशेंट वर्क फॉर द पीपल खुशी पर मुझे सबसे मिलकर बहुत खुशी होती है
हुमा कुरैशी से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, बिकॉज शी इज़ वेरी वेरी डाउन टू अर्थ लेडी एंड शी जेन्युइनली यू नो अंडरस्टैंड, एंड जो इमोशनल हेल्थ के बारे में बात हुई थी, और उस दिन आई गेस मेंटल हेल्थ डे था जिस दिन मैं उनसे मिली थी, एंड शी जेन्युइनली टॉक्ड, एंड यू नो वन ऑफ हिज मूवी शी हैव यू नो पोर्ट्रेटेड सम कैरेक्टर, सो वी डिस्कस्ड एंड देयर वाज दिस डायरेक्टर, उनके साथ भी अच्छा था, सभी के साथ में मतलब बहुत ही अच्छा इंसिडेंट और रहा है, और मतलब आई कांट एक्चुअली पॉइंट एक सिंगल को, सबके साथ बहुत अच्छा रहा था, बट जो मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा यादगार रहेगा वो प्रेसिडेंट सर का रहेगा, क्योंकि वो मैं लाइफ में पहली बार किसी के सामने नर्वस हुई थी और मैं एकदम बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी, तो वो मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा। जब लोग इतनी सारी चीज़ों में जुड़े हुए होते हैं, काम कर रहे होते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ में, तो उनके पास टाइम की बहुत कमी होती है, लाइक एज यू आर इन्वॉल्व इन सो मेनी एक्टिविटीज़, हाउ डू यू प्लान योर डे? आई गेस मुझे प्लान करने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज व्हाट आई एम डूइंग दैट्स माय लव। Okay. और जब आप अपने प्यार के साथ में जी रहे हो तो आपको कुछ भी प्लान करने की नहीं जरूरत होती, एवरी थिंग फॉल्स इन अ प्लेस, बिकॉज योर बॉडी बिकम इन हार्मनी, यू नो व्हेन आई एम टॉकिंग कि आई एम ब्रिंगिंग योर फ्रीक्वेंसी इनटू अ रिदम, एंड आई एम कंटिन्यूसली डूइंग साउंड साउंड साउंड, आई एम सराउंडेड बाय साउंड्स, आई एम सराउंडेड बाय फ्रीक्वेंसी, तो ऑटोमेटिकली माई बॉडी बिकम अ साउंड नाउ, एंड इट इज इन अ ट्यून, सो आई बिलीव दैट माई बॉडी माई माइंड they are aligned, and if I wanted to work, both wanted to work, if I don't wanted to work, I never work. Professionally क्या होता है ना कि सभी लोग exhaust feel करते हैं, सभी को healing की ज़रूरत पड़ती है, आपको भी healing की नीड होती है अपने exhausting schedules में? बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है, you know, after all we all are human beings. Yes. और at the end you know sometimes you have work pressure, sometimes you have lot of things. ट्रॉमास प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती हैं, बट द ओनली थिंग हाउ यू डील विद देम, सो क्योंकि जैसे जैसे फाउंडेशन बढ़ती जा रही है वी हैव कनेक्टेड नाउ मोर देन 2 लाख पीपल, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ गई हैं, सो एट अ टाइम येस ऑफकोर्स आई फील एग्जॉस्टेड, नॉट बिकॉज ऑफ वर्क, बट आई फील एग्जॉस्टेड बिकॉज ऑफ दैट थॉट कि मेरा जीवन कम ना पड़ जाए और काम बहुत ज़्यादा है, तो मुझे वो एग्जॉस्ट बहुत करता है, एंड दैट मेक्स मी डू मोर एंड मोर वर्क, बट येस आई डू नीड हीलिंग, एंड आई हैव अ वंडरफुल टीम, व्हेनेवर दे सी मैम इज एग्जॉस्टेड दे कम एंड दे से मैम चलो आपकी हीलिंग कर देते हैं, तो येस आई डू, एंड माई हीलिंग इज एवरी टाइम यू नो व्हाइल स्लीपिंग, मेरा फेवरेट म्यूजिक मैं चलाती हूँ सुबह मेरे किचन में पूरे टाइम, घर में वो एक इको चलता है म्यूजिक का, so I am like very much surrounded by the music. एक तो लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, लोग अवेयर नहीं है बहुत ज़्यादा, सो इसमें जो लोग करियर बनाना चाहते हैं तो करियर कैसे बना सकते हैं, लोग कैसे आ सकते हैं इस फील्ड में? देखिए इसमें करियर बनाने के लिए जो बच्चे हैं जो साइकोलॉजी को समझते हैं, जो लोग भी काउंसलिंग को समझते हैं, जो लोग इन टॉपिक्स को चूज करते हैं और दे बिलीव कि हमारे पास में साइकोलॉजी करने के बाद में सिर्फ एक वही टॉपिक बचता है काउंसलिंग का, तो दिस इज़ अ वास्ट एंड डीप टॉपिक, यू नो आप काउंसलिंग करके आप एक ट्रेडिशनल अप्रोच करके आप वहाँ तक पहुँचोगे जहाँ पे ये साउंड हीलिंग के थ्रू आप कुछ सेशंस में पहुँच जाओगे, इट्स अ वेरी 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 पावरफुल टेक्निक, बट येस इट इज़ नॉट अवेयर्ड, एंड थैंक्स टू पीपल लाइक यू I mean your team, because आप लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर लाइट थ्रो किया है, एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल शुड वॉच इट, एंड यू नो पीपल शुड गेट अवेयर दैट हाउ साउंड थेरेपी इज सो पावरफुल, एंड इन कमिंग टाइम आप देख लीजिएगा कि ये एक मैजिक की तरह रेवोल्यूशन क्रिएट करेगी। एक मैम से डेमो लेना चाहेंगे साउंड हीलिंग का, जो मैम के पास एक बॉल है, तो कुछ मैम दिखाएंगे अभी करके। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी टॉक्सिक एनर्जीज होता है उसको पुल करने में बहुत 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 हेल्प करता है। सुन सकते हैं ये छोटा सा है, सो इसका जो फ्रीक्वेंसी है स्पेसिफिकली हमारे ब्रेन के लिए है।
और इसी तरीके से ये क्रिस्टल बोल है, इसका साउंड आपकी बॉडी के अंदर अपने आप चाहो नहीं चाहो हील होना, अपने आप हील होना शुरू कर देते हो उससे। और ये मेरा फेवरेट जो मैंने बताया था ओशन ड्रम, सो दिस गिव्स अ साउंड ऑफ ओशन। आप आंखें बंद करके इसको सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी पानी के ओशन के पास में बैठे हैं। So these are some instruments which we used in sound therapy and sound healing. अगर आप करना चाहते हो तो आप लोग एक साउंड बोल भी ले सकते हो और उससे भी कर सकते हो, बट जो आपने अक्सर बाजारों में देखे हैं साउंड बोल्स मिलते रहते हैं वो 5 मेटल्स होते हैं उसके अंदर। हमें जो हीलिंग के लिए चाहिए होते हैं वो 9 एलिमेंट्स वाले बोल्स ही चाहिए होते हैं, उन्हीं से हीलिंग हो सकती है। दिस इज सो इफेक्टिव, दिस इज वेरी, यस यस, दिस इज वेरी 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 इफेक्टिव। एंड इसका भी एक फ्रीक्वेंसी है, जिस जो साउंड इसमें से निकल रहा है वो एक फ्रीक्वेंसी पे निकल रहा है जो आपके दिस पार्ट यानी कि बिलो योर हार्ट काम करेगा। कोई मैसेज जो आप देना चाहो लोगों को जो आना चाहते हैं या जो सीखना चाहते हैं, कोई मैसेज प्लीज। तो मैं एक ही चीज आप सभी लोगों से बोलना चाहूंगी कि आपके शब्द आपका दुनिया बनाते हैं, सो बहुत ध्यान से बहुत केयरफुली उन शब्दों को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि एक बार जब प्लेन निकल जाता है ना तो कहीं ना कहीं लैंड करता ही है, वरना फ्यूल खत्म हो जाएगा। तो आपने अगर शब्द बोल दिए ना तो कहीं ना कहीं वो लैंड करेंगे, और अब जब आप नाम लेके बोलते हैं तो वो उस इंसान को पक्का हिट करेंगे। तो बहुत ध्यान से बोलिए क्या बोलते हैं, क्योंकि ना तो वो आपको परेशान करेंगे, वो सामने वाले को भी परेशान कर देंगे और उससे आपकी जिंदगी खराब हो सकती है। सो बी केयरफुल एंड टेक केयर। थैंक यू।